हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज और गैलेक्सी A72 का नया अपडेट आया है, आइए जानते हैं। तो सैम मोबाइल की रिपोर्ट के अनुसार LTE और 5G दोनों मॉडल जो हैं गैलेक्सी S20, गैलेक्सी S20 प्लस और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के, उसको जून का 22 का अपडेट मिलना शुरू हो गया है, जिसका वर्जन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे गैलेक्सी S20 FE को अभी इग्नोर कर दिया गया है, इसको अपडेट बाद में मिलेगा। इस अपडेट में आप देखेंगे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, QR स्कैन कि जो दिक्कतें थी उनको सही कर दिया गया है। 5 मेजर क्रिटिकल इसमें विनेबिलिटीज थे उनको भी सही कर दिया गया है। 60 तरह की अलग इसमें दिक्कतें थी उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। हालांकि कोई नया फीचर या नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड इंप्रूवमेंट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अपने स्मार्टफोन की OTA अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी A72 को भी जून का अपडेट मिल रहा है और ये रिपोर्ट भी सैम मोबाइल की है। वर्जन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें 66 तरीके की विनेबिलिटीज को सही करा गया है जो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। इसमें कई बग्स फिक्स हुए हैं और आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिला है। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और आप ये दोनों डिवाइस हैंडल करते हैं तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है और वहां जाके आपको मैन्युअली इसको चेक करना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।